हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा इकोनॉमिक जूलॉजी मेडिकल एंड वेटरनरी जूलॉजी के अंदर एक नया चैप्टर है। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ हिस्ट्री मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड पैथोजेनेसिटी ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस विद रेफरेंस टू प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ उचेरेडिया बैनक्रॉफ्टी। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सम कैरेक्टर्स ऑफ उचेरेडिया बैनक्रॉफ्टी। यहाँ पे उचेरेडिया बैनक्रॉफ्टी का पिक्चर दिया हुआ है, आप चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सम कैरेक्टर्स ऑफ उचेरेडिया बैनक्रॉफ्टी। उचेरेडिया बैनक्रॉफ्टी कॉजेज बैनक्रॉफ्टियन फाइलेरियसिस एलिफेंटियसिस। ये जो उचेरेडिया बैनक्रॉफ्टी होता है वो बैनक्रॉफ्टियन फाइलेरियसिस एलिफेंटियसिस क्रिएट करते हैं। हैबिटेट द एडल्ट वर्म लिव्स इन द लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ ह्यूमन ओनली। ये जो एडल्ट वर्म होता है वो मेनली ह्यूमन का लिम्फ नोड्स और उसके साथ साथ लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर रहते हैं। मॉर्फोलॉजी एडल्ट वर्म आर लॉन्ग हेयर लाइक ट्रांसपेरेंट एंड फिलीफॉर्म थ्रेड लाइक इन शेप। ये जो एडल्ट वर्म होता है वो लॉन्ग होता है, हेयर लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और उसका जो शेप होता है वो फिलीफॉर्म थ्रेड लाइक होता है। एडल्ट वर्म लिव्स 10 to 15 ईयर्स और मोर। ये जो एडल्ट वर्म होता है वो 10 से 15 साल या उससे भी ज़्यादा उसका लाइफ स्पैन होता है। मेल्स एंड फीमेल्स यूजुअली रिमेन कॉइल्ड टुगेदर। इसका जो मेल एडल्ट होता है और उसका जो फीमेल एडल्ट होता है वो एक दूसरे के साथ कॉइल्ड पोजीशन पे रहते हैं। मेल इट मेजर्स 2.5 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 0.1 मिलीमीटर इन थिकनेस। ये जो मेल होता है उसका जो लेंथ होता है वो 2.5 से 4 सेंटीमीटर के आसपास होता है और इसका जो थिकनेस होता है वो 0.1 मिलीमीटर के आसपास होता है। द टेल एंड इज कर्व्ड वेंट्रली। इसका जो टेल एंड होता है वो वेंट्रली कर्व्ड होता है एंड पॉजेस टू स्पिक्यूल्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। और ये दो स्पिक्यूल्स क्रिएट करते हैं, मतलब पॉजेस करते हैं जिसका लेंथ अनइक्वल होता है। फीमेल द फीमेल वर्म मेजर्स 8 to 10 सेंटीमीटर इन टू 0.223 मिलीमीटर इन लेंथ। ये जो फीमेल वर्म होता है इसका जो मेजरमेंट होता है वो 8 से 10 सेंटीमीटर इन टू 0.2 से 3 मिलीमीटर के आसपास होता है। द टेल एंड इज़ नैरो एंड पॉइंटेड। इसका जो टेल एंड होता है वो नैरो होता है और उसके साथ साथ ये पॉइंटेड भी होता है। द फीमेल ले एक्टिवली मोटाइल एम्ब्रायोस एंड आर ओवोविविपेरस। ये जो फीमेल होता है वो एक्टिवली मोटाइल एम्ब्रायोस ले करते हैं और इसलिए इसको ओवोविविपेरस कहा जाते हैं। एम्ब्रायो दैट इज माइक्रोफाइलेरिया पासेस थ्रू लिम्फ नोड्स द एक्टिवली मोटाइल एम्ब्रायोस फाइंड देयर वे इनटू ए सर्कुलेटरी ब्लड्स। ये जो एक्टिवली मोटाइल एम्ब्रायो होता है वो लिम्फ नोड्स के अंदर पास करते हैं और उसके बाद ये सर्कुलेटरी ब्लड के अंदर घुस जाते हैं। द लार्वा रिटेन एक्सशेल और इसके बाद ये जो लार्वा होता है वो एक्सशेल रिटेन करते हैं। हायलिन शीथ इट इज़ द एनवेलप ऑफ द एग। ये जो हायलिन शीथ होता है ये मेनली एग का एनवेलप होता है। द लार्वा कैन मूव विथ इन द शीथ। ये जो लार्वा होता है वो शीथ के अंदर बहुत अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं। साइज इट मेजर्स अबाउट 275 to 300 × 8 to 10 माइक्रोमीटर। ये जो लार्वा होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो 275 से 300 × 8 से 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। सोमाटिक सेल्स दिस सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया। ये जो सेल्स होता है वो माइक्रोफाइलेरिया का जो एक्सिस होता है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड आर कॉल्ड एज सोमाटिक सेल्स और न्यूक्ली, और उसको सोमाटिक सेल्स और नहीं तो न्यूक्ली कहा जाते हैं। जेनिटल सेल्स द सेल्स आर सिचुएटेड एंटीरियर टू द एनल पोर। ये जो जेनिटल सेल्स होता है वो मेनली एनल पोर का जो एंटीरियर पोजिशन होता है वहाँ पर रहते हैं। सेंट्रल बॉडी ऑफ मैनसन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर बॉडी टू द जेनिटल सेल एंड रिप्रेजेंट्स रूडिमेंटरी एलिमेंटरी कैनल। ये जो सेंट्रल बॉडी ऑफ मैनसन होता है वो मेनली जेनिटल सेल का जो एंटीरियर बॉडी होता है वहाँ से एक्सटेंड करते हैं और उसके साथ साथ ये रूडिमेंटरी एलिमेंटरी कैनल रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ दिस माइक्रोफाइलेरिया आर नॉट सक्ड अप बाई मॉस्किटो दे विल डाई इन कोर्स ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया कुड बी अप टू 70 डेज। ये जो माइक्रोफाइलेरिया होता है अगर ये मॉस्किटो से सक्ड अप नहीं हो जाता है तब ये 70 डेज बाद मर जाते हैं, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ 70 डेज ही होता है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है लाइफ साइकिल ऑफ उचेरेडिया बैनक्रॉफ्टी। तो शुरू करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। लाइफ साइकिल ऑफ उचेरेडिया बैनक्रॉफ्टी कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनटू टू होस्ट। ये जो उचेरेडिया बैनक्रॉफ्टी होता है ये इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। द डेफिनेटिव होस्ट इज मैन। यहाँ पे जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो मैन होता है एंड वेक्टर इट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज इंटरमीडिएट होस्ट। और ये जो फीमेल मॉस्किटोस होता है वो वेक्टर की तरह काम करते हैं और वो इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करते हैं। द मेजर वेक्टर इन इंडिया एंड मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इज क्यूलेक्स फैटिगेंस एडिस एनोफिलिस स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोस ऑल्सो सर्व एज
इंटरमीडिएट होस्ट, ये जो मेजर वेक्टर होता है इंडिया का और एशिया का, ये मेनली क्यूलेक्स फैटिकेंस और एडी साइनोफिलिस स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोस होता है जो इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करते हैं। डेफिनेटिव होस्ट, इन मैन एडल्ट वर्म लिव इन द लिम्फेटिक वेसल्स एंड ग्लैंड। मैन के बॉडी के अंदर ये जो वर्म होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स और ग्लैंड्स के अंदर रहते हैं। फीमेल ले माइक्रोफाइलेरिया, ये जो फीमेल होता है वो माइक्रोफाइलेरिया ले करते हैं, विच ट्रैवल अल्टीमेटली टू ब्लड स्ट्रीम विदाउट अंडरगोइंग एनी डेवलपमेंटल चेंजेस। ये जो फीमेल होता है, एडल्ट फीमेल, जब वो माइक्रोफाइलेरिया ले करते हैं वो कोई डेवलपमेंटल चेंजेस के अंदर नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुस जाते हैं। Nocturnal periodicity, the microfilaria of Uchereria bancrofti takes rest in the capillaries of lungs, hearts, kidneys and the big arteries during daytime। ये जो microfilaria होता है Uchereria bancrofti का, वो मेनली डे के टाइम पे जो विजिटल ऑर्गन्स होता है, मतलब जो लंग्स होता है, जो किडनीस होता है, जो हर्ट्स होता है, उसके अंदर वो रेस्ट करते हैं। और रातों पे जब मैन बाइटिंग मॉस्किटोस मोड एक्टिव हो जाता है तब वो पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर इन्वेट करते हैं और इसको नॉक्टर्नल पीरियडिसिटी कहा जाते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट, द शीस्ट माइक्रोफाइलेरिया इज इंजेस्ट बाई मॉस्किटो ड्यूरिंग इट्स ब्लड मिल। ये जो शीस्ट माइक्रोफाइलेरिया होता है वो मेनली ब्लड मिल के टाइम पे, मतलब सकिंग के टाइम पे, वो मॉस्किटोस को जो बॉडी होता है उसके अंदर घुस जाते हैं। दे कैस्ट अप देयर शीट इन द स्टोमक वॉल विद इन 15 to 30 minutes। और मॉस्किटो का जो इंजेक्शन होता है उसका 15 से 30 मिनट बाद ये जो वर्म होता है वो इसका जो शीट होता है इसको कस्ट ऑफ कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, और उसके बाद वो स्टोमक वॉल के अंदर एक पेनिट्रेशन करते हैं 1 से 2 घंटे के बाद, और उसके बाद ये थोरैसिक मसल पे माइग्रेट करते हैं। वेयर दे माउल्ट एंड अंडरगो द डेवलपमेंट टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड लार्वी। ये जो थर्ड लार्वी होता है उसको फाइलेरिक फॉर्म कहा जाते हैं, मतलब ये जो लार्वी होता है वो फर्स्ट सेकेंड और उसके बाद ये थर्ड स्टेज लार्वी के अंदर माउल्टिंग करते हैं, और ये जो थर्ड स्टेज लार्वी होता है इसको इन्फेक्टिव फॉर्म कहा जाते हैं। When microfilaria does not multiply in mosquito, मतलब ये जो microfilaria होता है अगर ये mosquito के जो body होता है उसके अंदर multiply नहीं करते हैं, तब क्या होता है, the infected larva is injected into man। तब ये जो infected larva होता है वो man के अंदर inject हो जाते हैं by mosquito से, और इस ऐसे क्या होता है उसके बाद ये जो worm होता है वो human का जो blood stream होता है उसके अंदर भी circulate हो जाते हैं, और ऐसे ये इसका जो life cycle होता है वो repeat होता रहता है। लार्वल डेवलपमेंट इन मॉस्किटो टेक्स अबाउट 11 to 14 days। और ये जो लार्वा का डेवलपमेंट होता है मॉस्किटो के बॉडी के अंदर, इसके लिए इसको 11 से 14 days तक लग जाते हैं। इन्फेक्शन ऑफ मैन, व्हेन द इन्फेक्टेड क्यूलेस मॉस्किटो बाइट्स ए मैन, जब एक इन्फेक्टेड क्यूलेस मॉस्किटो मैन को बाइट करते हैं तब क्या होता है, द फाइलेरिक फॉर्म ऑफ लार्वी आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तब ये जो फाइलेरिक फॉर्म ऑफ लार्वी होता है, मतलब जो थर्ड स्टेज होता है, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुस जाते हैं ह्यूमन का। द लार्वा रीचेस द लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स ऑफ द बॉडी। और इसके बाद ये जो लार्वा होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स और उसके बाद वो लिम्फ नोड्स पे घुस जाते हैं। द लार्वा रीचेस द लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स ऑफ द बॉडी, ये हो गया। उसके बाद दे डेवलप इनटू एडल्ट्स विद 5 to 18 months। और उसके बाद 5 से 18 months के बाद इसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है और वो एडल्ट हो जाता है। द पीरियड फ्रॉम एंट्री ऑफ लार्वी टू डेवलपमेंट टू एडल्ट फॉर्म्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन पीरियड और प्रीपेटेंट पीरियड, विच इज़ अबाउट 8 to 12 months। ये जो पीरियड होता है जब ये जो पेरीफेरल फॉर्म ऑफ लार्वी होता है, मतलब ये जो थर्ड स्टेज ऑफ लार्वी होता है, जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस जाते हैं उस टाइम से उसको एडल्ट होने के लिए जो टाइम लगते हैं वो 8 से 12 months के आसपास हो जाता है। और ये जो टाइम होता है इसको बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन पीरियड और नहीं तो प्रीपेटेंट पीरियड कहा जाते हैं। देन ए न्यू जनरेशन ऑफ माइक्रोफाइलेरिया इज इमीडिएट। और उसके बाद ये जो न्यू जनरेशन होता है माइक्रोफाइलेरिया का, वो एट फर्स्ट थोड़ा सा डक्ट और नहीं तो राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर घुस जाते हैं, और उसके बाद वो वेना सिस्टम और उसके बाद वो पल्मोनरी कैपिलरीज पे घुस जाते हैं और पेरिफेरल जो सर्कुलेशन होता है वहाँ पे चले जाते हैं, और ऐसे इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट होता रहता है। यहाँ पे उचेरिया बैनक्रॉफ्टी का जो लाइफ साइकिल होता है वहाँ का पिक्चर दिया हुआ है, आप चाहे तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्वल स्टेज ऑफ उचेरिया बैनक्रॉफ्टी विद इलस्ट्रेशन। तो शुरू करते हैं एम्ब्रायो और माइक्रोफिलेरिया से। कहते हैं पासिंग थ्रू लिम्फ नोड्स द एक्टिवली मोटाइल एम्ब्रायो फाइंड देयर वे इनटू सर्कुलेटरी ब्लड। मतलब ये जो माइक्रोफाइलेरिया होता है वो लिम्फ नोड्स पे एट फर्स्ट आ जाते हैं, और उसके बाद वो जो एक्टिवली मोटाइल एम्ब्रायो होता है वो सर्कुलेटरी ब्लड के अंदर घुस जाते हैं, और उसके बाद वो एक शेल रिटेन कर लेते हैं। हाइलिन शीट, इट इज़ द एनवेलप ऑफ द एग। ये जो हाइलिन शीट होता है वो मेनली एग का एनवेलप की तरह काम करते हैं। द लार्वा कैन मूव विथ इन द शीट। और ये जो लार्वा होता है वो उस शीट के अंदर बहुत अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं। साइज, इसका जो साइज होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है वो 275 से 300 × 8 से 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है।
somatic cells. These cells are distributed along the axis of the macrophylidia and are called as somatic cells or nuclei. ये जो somatic cells होता है वो macrophylidia का जो axis होता है वहाँ पर distribute होता रहता है और इसको somatic cells और नहीं तो nuclei कहा जाते हैं. जेनिटल सेल्स, दिस सेल्स आर सिचुएटेड एंटीरियर टू द एनल पोर. ये जो जेनिटल सेल्स होता है वो मेनली एनल पोर का जो एंटीरियर पोजीशन होता है वहाँ पे सिचुएट करता है. सेंट्रल बॉडी ऑफ मैनसन, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर बॉडी टू द जेनिटल सेल एंड रिप्रेजेंट्स रूडिमेंटरी एलिमेंटरी कैनल. ये जो सेंट्रल बॉडी ऑफ मैनसन होता है वो मेनली जेनिटल सेल का जो एंटीरियर बॉडी होता है वहाँ पे एक्सटेंड करते हैं और उसके साथ साथ ये रूडिमेंटरी एलिमेंटरी कैनल रिप्रेजेंट्स करते हैं. यहाँ पे स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ जुवेनाइल इन मॉस्किटोज का पिक्चर दिया हुआ है. आप चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना. जनरली फीमेल एडल्ट ले माइक्रोफाइलेरिया दैट इज एम्ब्रायो विच ट्रैवल विदाउट एनी डेवलपमेंट. मतलब ये जो फीमेल एडल्ट होता है जो माइक्रोफाइलेरिया और नहीं तो जो एम्ब्रायो को ले करते हैं वो कोई डेवलपमेंट के अंदर नहीं जाते हैं. माइक्रोफाइलेरिया जनरली टेक्स रेस्ट इन द इंटरनल ऑर्गन्स एट डे टाइम. ये जो माइक्रोफाइलेरिया नहीं तो जो एम्ब्रायो होता है वो मेरे डे टाइम के अंदर वो जो विसरल ऑर्गन्स होता है मतलब जो लंग्स जो किडनीज जो हार्ट्स होता है वहाँ पर रेस्ट करते हैं और उसके बाद जब रातों पर जो मैन वाइटिंग मस्क्यूटस होता है वो अगर बहुत ज़्यादा उस टाइम पर एक्टिव हो जाता है तो इसलिए वो जो लार्वल फॉर्म होता है वो भी रातों पे पेरिफेरल जो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर इन्वेड करते हैं. द सिस्ट माइक्रोफाइलेरिया इज इंजेस्टेड बाय मॉस्किटो ड्यूरिंग इट्स ब्लड मिल. और ये जो सिस्ट माइक्रोफाइलेरिया होता है वो मॉस्किटो जब ब्लड मिल सकिंग करते हैं उसके साथ साथ मॉस्किटो के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं. दे दैट मीन्स माइक्रोफाइलेरिया कैस्ट ऑफ देयर शीट इन देयर स्टमक विद इन 15 to 30 minutes. और मॉस्किटो को जो बॉडी होता है वहाँ पे इंजेक्शन करने के 15 to 30 minutes बाद ये जो माइक्रोफाइलेरिया होता है वो इसका जो शीट होता है उसको कस्ट ऑफ कर देते हैं मतलब तोड़ देते हैं. देन विद इन 1 to 2 hours और उसके बाद 1 to 2 hours ये जो लार्वा होता है वो एट फर्स्ट स्टोमक का जो वाल होता है वहाँ पे एक पेनिट्रेशन करते हैं और उसके बाद वो माउल्टिंग पे चले जाते हैं एट फर्स्ट फास्ट एंड देन सेकेंड एंड देन थर्ड स्टेज माउल्टिंग स्टेज. और ये जो थर्ड स्टेज होता है लार्वी का वो इन्फेक्टेड स्टेज होता है. ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है. व्हाट इज एलिफेंटेसिस. नेम द वेक्टर इंटरमीडिएट होस्ट कॉजिंग एलिफेंटेसिस. राइट डाउन द डेवलपमेंट ऑफ द पैरासाइट इनसाइड द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द कॉजल ऑर्गेनिज्म. द नेम ऑफ द वेक्टर कॉजिंग एलिफेंटेसिस मेनली फीमेल मॉस्किटो सच एज क्यूलेस फैटिगेंस इज द मेन वेक्टर बट एडिस एंड एनोफिलस स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो ऑल्सो सर्व एज इंटरमीडिएट होस्ट. मतलब ये जो फीमेल मॉस्किटोस होता है मतलब जो क्यूलेस फैटिगेंस होता है वो ही मेन वेक्टर की तरह काम करते हैं और इसके साथ साथ जो एडिस और एनोफिलस स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोस होता है वो भी इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करते हैं. यहाँ पे एलिफेंटेसिस द अफेक्टेड पार्ट बिकम इनॉर्मसली एनलार्ज्ड प्रोड्यूसिंग ए ट्यूमर लाइक सॉलिडिटी. ये जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो एनलार्ज्ड हो जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक ट्यूमर लाइक सॉलिडिटी हो जाता है. दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ यूटेरियल इन्फेक्शन. और ये यूटेरियल इन्फेक्शन का जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है एंड यूजुअली फॉलोज ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस इन्फेक्शन. और यहाँ पे फ्यू ईयर्स कंटिन्यूअस इन्फेक्शन होता रहता है. इट इज़ नॉट द इनएविटेबल टर्मिनेशन ऑफ एवरी फाइलेरियल इन्फेक्शन. और ये एवरी फाइलेरियल इन्फेक्शन का इनएविटेबल टर्मिनेशन का जो सिम्टम्स होता है वो नहीं होता है. कॉजेज ऑफ एलिफेंटेसिस फेब्रिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द एफरेंट लिम्फेटिक ड्रेनिंग द पार्ट. नेक्स्ट सच ए पैथोलॉजिकल चेंज इज ब्रॉट अबाउट द रिकरेंट attacks of lymphangitis over many years. Hypertrophy and hyperplasia seen in elephantiasis are the result of excessive protein in the lymph exudate stimulating the connective tissue to excessive growth. मतलब ये जो यहाँ पे जो hypertrophy होता है और जो hyperplasia होता है इसलिए यहाँ पे excessive protein store हो जाता है इसलिए यहाँ पे जो connective tissue होता है उसका excessive growth हो जाता है इसलिए यहाँ पे जो tissue होता है वो उसका swelling up हो जाता है. एलिफेंटेसिस ऑफ लेग्स रिजल्ट फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंग्विनल और इलियक लिम्फ नोड्स. मतलब यहाँ पे अगर लेग के अंदर एलिफेंटेसिस का जो सिम्टम्स होता है वो होता है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इंग्विनल और इलियक लिम्फ नोड्स का. और अगर ये एलिफेंटेसिस क्रोटम के अंदर हो जाता है तो वहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड्स का. पैथोलॉजिकल एनाटोमी द सर्फेस ऑफ द स्किन बिकम्स रफ फिशर्ड एंड इवन पैपिलोमेटस. मतलब ये जो इसका जो स्किन होता है वो रफ हो जाता है उसमें फाटल आ जाते हैं मतलब वहाँ पे फ्रैक्चर्ड आ जाते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे जो स्किन होता है वो पैपिलोमेटस हो जाता है. और यहाँ पे जो हेयर होता है वो रफ हो जाता है और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे जो टिश्यू होता है उसका हम सेक्शन करेंगे तो वो अनराइप पेयर की तरह दिखने लगेंगे. और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सेल होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है और उसका थिकनेस भी बहुत ज़्यादा होता है. ब्लड माइक्रोफाइलेरिया दिस आर जनरली एबसेंट आइदर ड्यू टू द डेप्थ ऑफ एडल्ट वर्म ऑफ देयर फेलियर to reach the systematic circulation due to lymphatic obstruction. यहाँ पे जो lymphatic obstruction होता है इसलिए यहाँ पे कोई systematic circulation नहीं हो पाता है.
The development of the parasite inside the intermediate host of the causal organism. Mainly in human body, the macrophylidia of Fusariaria bancrofti takes rest in the capillaries of lungs, hearts, kidneys and the big arteries. मतलब ये जो human body होता है वहाँ पे Fusariaria bancrofti का जो worm होता है वो मेनली lungs के अंदर, नहीं तो hearts के अंदर, नहीं तो kidneys और नहीं तो big arteries के अंदर ये जो disease होता है वो होता रहता है during day time. मतलब ये जो माइक्रोफाइलेरिया होता है वो डे टाइम के अंदर डेस्ट करते हैं ये जो विसरल ऑर्गन्स है, मतलब ये जो लंग्स होता है, नहीं तो जो किडनीस होता है, नहीं तो जो हार्ट होता है इसके अंदर. और उसके बाद जब रातों पे जो मैन बाइटिंग मॉस्किटोज होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तब ये पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर इन्वेट करते हैं. दैट्स द लाइफ साइकिल इज रिपीटेड. और ऐसे ही इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो रिपीट होता रहता है और मॉस्किटो के बॉडी के अंदर जो लार्वा का डेवलपमेंट होता है उससे इसका 11 से 14 डे तक लग जाते हैं. ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है. एड ए नोट ऑफ द पैथोजेनिसिटी बाई पैथोजेनिक रिएक्शन. द पैथोजेनिक इफेक्ट्स सीन इन उचिरेडिया आर प्रोड्यूस्ड बाई द एडल्ट उचिरेडिया लिविंग और डेड. मतलब ये जो पैथोजेनिक इफेक्ट होता है वो मेनली एडल्ट और एडल्ट उचिरेडिया से ही होता है और ये लिविंग भी हो सकता है और नहीं तो डेड भी हो सकता है. ये जो लिविंग माइक्रोफाइलेरिया होता है जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रहते हैं वो कोई टाइप ऑफ पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो ओकल फाइलेरिया होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ पैथोजेनेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं. द इंजूरियस इन्फ्लुएंस एक्साइटेड बाई द एडल्ट वर्म एंड डेवलपिंग लार्वा ऑन इट्स होस्ट इज एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम. लेसियन इन ओकल फाइलेरिया इज कॉज्ड बाई माइक्रोफाइलेरिया एंड इज फाउंड नॉट ओनली इन द लिम्फ नोड्स बट ऑल्सो लंग, लीवर एंड स्प्रिन. मतलब ये जो डिजीज होता है वो मेनली लिम्फ नोड्स पे नहीं पाए जाते हैं, उसके साथ साथ ये लंग, लीवर और स्प्रिन में भी पाए जाते हैं. द मेटाबोलाइट्स ऑफ द ग्रोइंग लार्वी इज हाईली रिएक्टिव इंडिविजुअल्स. ये जो मेटाबोलाइट्स होता है ग्रोइंग लार्वी का, ये एक हाईली रिएक्टिव इंडिविजुअल्स होता है जो मेनली एलर्जिक मैनिफेस्टेशन क्रिएट करते हैं. मतलब ये आर्टिकेरिया और पॉजिटिव स्वेलिंग क्रिएट करते हैं. दिस सिम्टम्स मे अपियर मच अर्लियर विद इन अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द एक्सपोजियर. एग्जामिनेशन ऑफ द पेरीफेरल ब्लड फेल्स टू डेमॉन्स्ट्रेट एनी माइक्रोफाइलेरिया एट दिस स्टेज. मतलब ये जो स्टेज होता है इस स्टेज पे अगर वहाँ पे हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे कोई स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोफाइलेरिया है ये नहीं, ये हम नहीं समझ सकेंगे. लेकिन अगर हम वहाँ पे जो टिश्यू होता है उसका बायोप्सी टेस्ट करते हैं तो हम वो बहुत अच्छे से समझ सकेंगे. Causes of lymphangitis. Mechanical irritation caused by the movement of the adult parasites inside the lymphatic system. मतलब यहाँ पे जो body part के अंदर ये जो disease होता है अगर वहाँ पे जो adult parasite होता है वो movement करेंगे तभी हम एक special type of हमको irritation होता है. Liberation of metabolites of the growing larvae in highly reactive individuals and secretion of the same toxic fluid by fertilized females at the time of parturition. मतलब यहाँ पे जो parturition होता है उस time पे females special type of toxic fluid secrete करते हैं और वहाँ पे उसलिए वहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ इरिटेशन होता रहता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लिबरेटेड फ्रॉम डेड वर्म्स अंडरगोइंग डिसइंटीग्रेशन. कॉजेस ऑफ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन. यहाँ पे मैकेनिकल ब्लॉकिंग हो सकता है और नहीं तो यहाँ पे ऑब्लिटरेटिव जो इंडो लिम्फेंजाइटिस वो भी हो सकता है. वो मेनली क्या होता है, इंडोथेलियल प्रोलिफेरेशन एंड इन्फ्लामेटरी थिकनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स. मतलब यहाँ पे जो लिम्फेटिक वेसल्स होता है उसका जो वॉल्स होता है वहाँ पे इंडोथेलियल प्रोलिफेरेशन होता है और उसके साथ साथ यहाँ पे इन्फ्लामेटरी थिकनिंग भी होता रहता है. एक्सेसिव फाइब्रोसिस ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स कॉज्ड बाय रिकरेंट एंड रिपीटेड अटैक्स ऑफ लिम्फेंजाइटिस. और यहाँ पे एक्सेसिव फाइब्रोसिस होता है और उसके साथ साथ लिम्फेटिक वेसल्स का जो रिकरेंट और रिपीटेड अटैक्स लिम्फेंजाइटिस के अंदर वो भी होता रहता है. फाइब्रोसिस ऑफ एफरेंट लिम्फ नोड्स ड्रेनिंग ए पार्टिकुलर एरिया. यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस का पिक्चर दिया हुआ है एटैक्स का, आप चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना. इफेक्ट्स ऑफ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन. यहाँ पे दो टाइप ऑफ इफेक्ट होता है, एक है लिम्फेडिक्स और दूसरा है एलिफेंटियसिस. हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो है स्टेट ब्रीफली द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ उचिरेडिया बैनक्रॉफ्टी. मोड ऑफ इन्फेक्शन मेनली होते हैं इनोकुलेटिव, मेनली ये होता है इनोकुलेटिव मेथड. मतलब ये मॉस्किटो जब बाइट करते हैं उस टाइम पे ये स्प्रेड करते हैं. ट्रांसमिटिंग एजेंट मेनली यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एजेंट के लिए एडिस एनोफिलीस और क्यूलेस मॉस्किटो काम करते हैं. इन इंडिया एंड चाइना द स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो व्हिच स्प्रेड द डिजीज इज क्यूलेस पिपाइंस फैटिगेंस. इन पैसिफिक आइसलैंड्स में जो मेलानेशियन आइसलैंड होता है वहाँ पे एनोफिलिस जो पंक्टाटस मॉस्किटोस होता है वो इस डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं. एक्सेप्ट फिजी एंड न्यू कैलिडोनिया इस जगह पे ये जो डिजीज़ होता है वो स्प्रेड नहीं होता है. और उसके साथ साथ जो पॉलिनेशियन आइसलैंड होता है वहाँ पे जो एडिस पॉलिनेशियन स्पीसीज होता है मॉस्किटो का वो इस डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं. इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है इस डिजीज़ का वो है थर्ड स्टेज ऑफ उचिरेडिया बैनक्रॉफ्टी. पोर्टल ऑफ एंट्री होता है स्किन.
साइट ऑफ लोकेशन, या ये क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ सुपीरियर और इन्फीरियर एक्सट्रीमिटीज अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ बाइट, मोस्ट कॉमनली ऑफ द इंग्विनस क्रोटा रीजियन। बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन पीरियड और नहीं तो प्री पेटेंट पीरियड, ये क्या होता है, मतलब ये जो इंजेक्शन, ये जो थर्ड स्टेज होता है जो मॉस्किटो से बॉडी के अंदर, ह्यूमन के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, उससे जो एडल्ट फॉर्म होता है, ये इसका अंदर जो टाइम पीरियड होता है 1 से 2.5 साल के अंदर, इसको ही बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन पीरियड और नहीं तो प्री पेटेंट पीरियड कहा जाते हैं। हमारा जो 7th नंबर क्वेश्चन है वो है प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पुचेरेडियल बैनक्रॉफ्टी। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट लिम्फैटिक फाइलेरेसिस इज़ टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स, मतलब अगर हमको मॉस्किटो बाइट से दूर रख सकेंगे तब हम इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकेंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको एयर कंडीशन रूम पे रहना चाहिए रातों पे, मतलब डस्क से डॉन के अंदर, और उसके साथ साथ नहीं तो हमको मॉस्किटो जो नेट होता है उसके अंदर हमको सोना चाहिए। हमको लॉन्ग स्लीव्स और ट्राउजर्स पहनना चाहिए, जो एक्सपोज स्किन होता है वहाँ पर हमको मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या कहा जाता है, जो कम्युनिटीज़ होता है, इंटर कम्युनिटीज़, वहाँ पे अगर हम ये जो डिजीज़ होता है इसका मेडिसिन हम अप्लाई करेंगे तो हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकेंगे, और उसके साथ साथ हम मॉस्किटोज का जो प्रोडक्शन होता है, जो पॉपुलेशन होता है, उसको भी कंट्रोल कर सकेंगे, और ऐसे हम क्या ऐसे हम इस डिजीज़ से बच सकेंगे। और ये जो एक्सपर्ट होता है वो इस डिजीज़ को नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कहते हैं, और यहाँ पे ये कहा जाते हैं क्या, जो मेडिसिन का जो फैक्ट्री होता है अगर वो बहुत सारे क्वांटिटी का मेडिसिन तैयार करेंगे तो हम बहुत अच्छे से इस डिजीज़ से बच सकेंगे और इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।